हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस साइड इज प्रोफेसर चिराग। आप लोगों के लिए आज एक नया वीडियो बना रहा हूँ। आज का वीडियो वापस से कोई ऐसी चीज़ जो आप लोग बहुत बार सर्च भी करते हैं, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन अपन किस चीज़ पे करने वाले हैं। सो द डिस्कशन इज गोइंग टू अबाउट स्वेट इक्विटी शेयर्स। अगेन, जब आपने बोला स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो इसके अंदर अपन क्या डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ऑलरेडी स्वेट इक्विटी शेयर की प्राइसिंग के बारे में जानना हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में जानना हो, तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप वहां पे देख सकते हैं उसको। इस वीडियो के अंदर मैं क्या कवर करने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे कि भाई जब कभी भी आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप किसको इशू करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, आप अपने एम्प्लॉयज़ को इशू कर देते हैं। यार चलेगा, कर दो भाई। एम्प्लॉयज़ के साथ और किसको इशू कर पाते हो? आपने बोला यार डायरेक्टर्स को भी इशू कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को नहीं कर सकते, पर आप अपने डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज को इशू कर देते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब कभी भी आप अपने एम्प्लॉयज को या फिर जब कभी भी अपने डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं, तो क्या ये सेक्शन 197 के अंदर जो आप लोगों को मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन है, जिस पे अपन लोगों ने, अगर आप लोगों ने कभी ध्यान से रीड किया हो, तो सीलिंग दे रखी है कि 11% से ज़्यादा, 11% से ज़्यादा आप अपने बोर्ड को नहीं दे पाएंगे आउट ऑफ योर नेट प्रॉफिट्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या जब स्वेट इक्विटी शेयर्स आप अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉयज़ को इशू करते हैं, तो वो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट बनता है या नहीं बनता है? तो अब इसका कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन देखिए। अच्छा, इसका जवाब हाँ भी है, इसका जवाब ना भी है। हाँ कब है और ना कब है, ये दोनों चीज़ें समझने के लिए आने वाले 5 मिनट के लिए पूरा ध्यान मेरी आवाज़ और मुझ पर। आ जाइए, कुछ देखते हैं, कुछ इस तरीके का होता है ये चीज़। देखिए, जब आप कभी भी स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स हम लोग दो रीजन से देते हैं। या तो अगले बंदे ने, मतलब कि आपके डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज ने आपके लिए कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए, आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए हैं, या फिर उसने कोई ऐसा काम किया जिससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो नहीं मिले, पर उसने कोई टेक्निकल नो हाउ ला दिया या फिर कोई ऐसा तरीका ला दिया जिससे आप और ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट होगा। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिला देगा, या फिर कोई टेक्निकल नो हाउ क्रिएट करके दिया है। यार ये चीज़ है। अच्छा, आप दिमाग लगाइएगा, अगर मैं ना आपको यहाँ से अकाउंट्स के फंडों की तरफ लेके जाऊँ, कहाँ पे ले जाऊँ, अकाउंट्स के फंडों की तरफ लेके जाऊँ, तो जब कभी भी आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं, जिसकी वजह से आपको इन रिटर्न डायरेक्टर्स की तरफ से क्या मिल रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिल रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर अगर आप बेसिक अकाउंटिंग रूल लाओगे, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज अ काइंड ऑफ एसेट। यस इट इज। अच्छा, एसेट भी कौन से वाले तरीके की एसेट है? सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, हम इसको इनटैंजिबल एसेट्स के अंदर लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया, ले जाओ, आप इनको इनटैंजिबल एसेट्स के अंदर भी ले गए। अच्छा, इनटैंजिबल एसेट्स बैलेंस शीट के अंदर आप लोग लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। हाँ जी भाई, तो जब कभी भी आप अपने डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं, जिसके रिटर्न में उन लोगों ने आपको क्या दिलाया है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिलाए हैं, तो ऐसी चीज को आप एसेट ट्रीट करते हो, एसेट ट्रीट करके इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर बैलेंस शीट की तरफ लेके जाते हो। सर, कोई अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू होते हैं यहाँ पे, जिसके थ्रू हम पता कर पाए कि इंटेंजिबल एसेट्स को कैसे डील किया जाता है? तो दोस्तों, अगर आपको रेफर करना है, तो आप दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रेफर करोगे। एक होता है AS 26 और दूसरा होता है AS 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये दोनों डील करते हैं आपके राइट ऑफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब कि अगर आप लोगों ने कोई आईपीआर राइट्स लाए, तो उनको किस तरीके से हटा देना है। राइट ऑफ करने के लिए ये लोग बोलते हैं कि भाई 10 इयर्स के अंदर इसको राइट ऑफ कर लेना, अगर 10 साल में आप इसको राइट ऑफ नहीं करते हो, तो रीजन दो कि इससे ज़्यादा भी बेनिफिट हो रहा है कि आपको इन आईपीआर का, तो आप आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर जनरल केसेस में 10 साल के अंदर आईपीआर्स को राइट ऑफ कर दिया जाता है। यहाँ तक सब साथ में दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने कहा कि सर ये वाले में तो हम लोगों को एसेट साइड में मिल गया, पर दोस्तों अगर आपने कोई टेक्निकल नो हाउ दिलाया है, मतलब इससे कोई हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं बनी, आपने सिर्फ कोई अच्छा तरीका, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, अच्छी कोई डील जिसकी वजह से हमारा फायदा हुआ है, इस वजह से आप लोग डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को क्या देना चाहते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स देना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है यार, ये चीज़ तो बैलेंस शीट में ले जाने लायक है ही नहीं, क्योंकि ना ये मेरी एसेट है, ना ये मेरी इनटेंजिबल एसेट्स है।
और जो चीज़ एसेट में नहीं जाती उसको आप एक्सपेंस आउट कर देते हो। तो एक्सपेंस आउट करने जाओगे तो आप कहाँ जाओगे, इसके अंदर दिमाग लगाइएगा। आपने बोला सर एक्सपेंस आउट करना है तो पीएनएल में जाके डेबिट कर दो यार, क्योंकि एक्सपेंस है तो अपन पीएनएल में ले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो टेक्निकल नो हाउ की वजह से जब कभी भी एक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स देती है तो ऐसे केस में वो उस खर्चे को जो इन स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए लगा है उसको पीएनएल में लेके जाएगी और पीएनएल में जाके इसको डेबिट कर देती है और खर्चा दिखाती है। अब दोस्तों दिमाग लगाओ, जब आपने हमको कोई आईपीआर राइट्स दिलाए थे, हमें इनटैंजिबल एसेट बना के दी थी, तब तो हम कहेंगे यार आपने भी तो हमको इन रिटर्न इतनी अच्छी चीज़ दी है। तो ऐसे केस में जब आप हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिलाते हो, इनटैंजिबल एसेट बना के दिखा देते हो, तो ऐसे टाइम पे कभी भी इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स विल नॉट कम अंडर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। इट विल नॉट कम अंडर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। क्यों? हमने कहा कि भाई अभी इस चीज़ को मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों मानने की जरूरत नहीं? अरे यार अगले बंदे ने आपको दे तो दिया कंसिडरेशन के फॉर्म में आईपीआर, और क्या देगा बेचारा आपको, दे दिया उसने आईपीआर बना के आपको। सो यहाँ पे कभी भी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का सवाल नहीं आता। पर दोस्तों जब कभी भी आप इस तरफ आते हैं, जब खाली टेक्निकल नो हाउ मिला था और पीएनएल अकाउंट के अंदर हम लोगों ने इसको एज अ खर्चा डाल दिया था, ऐसे केस के अंदर कंपनी बोल रही है भाई समझ मैं तेरे को स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रही हूँ पर मेरे को एसेट कुछ नहीं मिली है। तो ऐसे केस में क्या जब मेरे को कोई एसेट नहीं मिली है, मेरे को कुछ रिटर्न नहीं मिला है, तो क्या ऐसे केस में मैं ये मान लूँ कि एक तरीके से जो खर्चा मैं आपको दे रही हूँ या फिर जो शेयर्स के पैसे मैं आपको दे रही हूँ, मतलब कि जो पैसे मैंने खर्च किए आपको शेयर्स देने के लिए, वो क्या है आपका पार्ट ऑफ मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन है। यहाँ तक सब साथ में है? तो हमेशा याद रहे अगर आपने जो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं वो इस वजह से किए हैं क्योंकि डायरेक्टर ने कंसिडरेशन में आपको आईपीआर ला के दिया, तो ऐसे केस में इट विल नेवर बी कमिंग अंडर द हेड मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। ऐसे केस में डायरेक्टर्स ने अपने हिस्से का काम कर दिया है, ये आपकी तरफ से रिवॉर्ड है और कुछ नहीं। जबकि जब कभी भी वो सिर्फ टेक्निकल नो हाउ लेके आए जिसको आपको एक्सपेंस आउट करके पीएनएल में लेके जाना है, तो ऐसे केस में इसको पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ट्रीट किया जाता है। चाहिए तो आप आराम से बाद में से रेफर कर पाएंगे। देखिएगा लिखा गया है कि अगर आप जो एसेट लाए हैं उसको एमोर्टाइज किया जा सकता है। एमोर्टाइज का मतलब समझते हैं, अगर मैं बोलूं डेप्रिशिएट तो डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि कोई फिजिकल एसेट है, और जब अपन एमोर्टाइज बोलते हैं तो मतलब कोई इनटैंजिबल एसेट को अपन डेप्रिशिएट करने जाते हैं, वो आ जाता है एमोर्टाइजेशन के अंदर। तो एक्ट स्पेसिफिकली बोल रहा है कि भाई अगर आप मेरे पास कोई आईपीआर राइट्स लाए हो जिसको मैं एमोर्टाइज कर सकता हूं, कौन से आर्टिकल के थ्रू करोगे, AS 26, AS 10 के थ्रू एमोर्टाइज करोगे, तो ऐसे टाइम पे डायरेक्टर्स ने अपने हिस्से का कंसिडरेशन दे दिया है, और यहाँ पे डायरेक्टर्स ने अपने हिस्से का कंसिडरेशन नहीं दिया है। सो इधर इट विल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, जबकि जब वो आईपीआर ला के दे रहा है इट विल नॉट कम अंडर द मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर को मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अलग मिलेगा और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलग मिलेंगे। आई होप इतने छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फॉर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बहुत क्लियर कर दिया है, और कभी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का पार्ट बनता है कब नहीं बनता। आप प्लीज़ मुझे आगे लिखिएगा अगर आपको कोई और कंसेप्ट के बारे में जानना हो, कमेंट्स के अंदर शेयर कर दीजिए आपको कौन सा कंसेप्ट जानना है, और हम उसे जल्दी से अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू सून, बाय बाय।